तेलंगाना में म्यूनिसिपल इलेक्शन की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से निर्मल टाउन में 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। हैदराबाद के इलाके पत्थरघट्टी के कारपोरेटर सुहेल कादरी ने आज निर्मल में मजलिस के 17 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इस मौके पर मेहदीपट्टनम कारपोरेटर माजिद हुसैन व दीगर मजलिसी कारकुन मौजूद थे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मैदान में उतारे हैं और एक उम्मीदवार खानापुर से हैं, वार्ड नंबर 2 से आफरीन मोहम्मद तैयब, वार्ड नंबर 6 से अब्दुल मलिक, वार्ड नंबर 7 से सैयद अबरार, वार्ड नंबर 14 से शेख अफसर, वार्ड नंबर 16 से ताहिरा इफ्तिकार, वार्ड नंबर 17 से समरीन फिरोज शेख, वार्ड नंबर 20 से जकिया कौसर, वार्ड नंबर 21 से मोहम्मद इरफान, वार्ड नंबर 22 से अजीम बिन याहिया, वार्ड नंबर 23 से सलमान शेख, वार्ड नंबर 27 से नाजिया परवीन, वार्ड नंबर 29 से मोहम्मद मुजाहिद, वार्ड नंबर 35 से तहनियत फिरदौस, वार्ड नंबर 39 से रफी अहमद कुरैशी, वार्ड नंबर 40 से हसीना बेगम मोहम्मद उस्मान, वार्ड नंबर 41 से मोहम्मद राहिल, वार्ड नंबर 42 से मोहम्मद बासित और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खानापुर से अपने एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, मोहम्मद अखिल है। आपके जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार अपने अपने वार्ड में सरगर्म हैं और डोर टू डोर फर्दन फर्दन मुलाकातें कर रहे हैं। मैं आप तमाम से निर्मल के तमाम अमतुल मुस्लिमीन से और मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गुजारिश करता हूँ कि ये इलेक्शन बड़ा अहमियत का इलेक्शन है। आज का जो दौर, आज का जो माहौल है, हम उसी को पसमंजर में रखते हुए मैं निर्मल की तमाम अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने निर्मल से 17 उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो आपकी जिम्मेदारी, निर्मल के अवाम की जिम्मेदारी, खास तौर से अजीम बिन याहिया साहब की और तमाम उनके जितने उम्मीदवार हैं उनकी जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है कि अब 22 तारीख की शाम तक अवाम के दरमियान में रहेंगे और जब 25 तारीख के दिन रिजल्ट रहेगा उस वक्त तक आप अवाम के दरमियान में रहते हुए मैं आप तमाम से फिर एक मरतबा इल्तिमास करता हूँ कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में दीजिए।